तो फिर बाद में रावण विद्वान हो गया, होशियार हो गया, तो काशी में गया, भगवान मेरे आपको ले जाना चाहता। तो भगवान जान रहे थे मेरा द्वारपाल नटू कैसे, तो मिलने आऊंगा भाई। तो राजा जी कब ले जाओगा, आप आज ही हुए, चलो हमारे पास तो रथ अभी ले जाती। तो भगवान ने मना कर दिया, नहीं आता नहीं, कल वापस कल तैयार होना मैं आ जाऊंगा। तो भगवान ने कहा नहीं, एक बात सुनो राजन, कि मेरे को यहाँ से उठाओ का आगे का बैठाओ का नहीं, बिना बैठाओ का वहीं स्थान कर लूंगा। तो राजा जी ने कहते हाँ का ही नहीं रुकूंगा। वहां से निकल गए, वापस गए लंका में, दूसरे दिन सुबेरा हुए वापस आ गए चलो भगवान। तब सब देवला गण देख रहे थे कि राजा रावण से कोई लड़ नहीं सकता है। तो राजा रावण तो गया लंका में, पास सब गण देवता देखे निकला, भगवान को भी नहीं कह सकते कि आप भगवान नहीं जा सकते हो। तो सब देवगण पैताल लोक में गए गंगे माँ के पास। किसके पास गए? गंगा माँ के पास। गंगे माँ के पास उस गंगा माँ को अर्चना की। तो गंगा माँ देखे अरे यार देवगण इतने कैसे आ गए आज मेरे बिना बुलाए। अरे मैया मैया हमारा एक छोटा सा काम पड़ गया। क्या काम पड़ा बेटो? कि मैया मैया रावण हम अपने भगवान को काशी से लंका में ले जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे? आपसे किससे पूछने हुआ ही नहीं कि रावण से? कि नहीं मैया हम तो रावण से जीत नहीं पा सकते, ये आप ही जानो। अब भाई भगवान को रोकने लाज ले जाने नहीं देने। तो मैया ने यश कह दिया, यश करने के बाद में सब देवगण थे अपने देवलोक में, इंद्र लोक में चले आए अपने अपने देवलोक में। और फिर बाद में दूसरा दिन भी सवेरे हुए, रावण आ गया रथ लेके, चलो भगवान। तो भगवान तैयार है चलो। तो भगवान ने जहाँ से उठा है रावण ने, तो वहां से लाए, तो वहां से जा रहे थे काशी से ला रहे। आप गए हो मैं नहीं गया, लेकिन एक इतिहास सुनना डोर पकड़ रहा हूँ, शिव पुराण रामायण निवास राम भागवत। तो वहां से दूसरे दिन आया, फिर बाद में भगवान चलो। तो राजा ने ये तैयार है मैं कहाँ से उतरूंगा नहीं, कहनी बस रेडियो मोदी कहीं नहीं उतारूंगा, आप कंप्लीट में नहीं हो सावधान, और विश्राम दो ही बात है संत भाई। खटखट की उतरा हुआ सीता ने कहा। तो भगवान वहां से लिया न हाथ में, लेता लेता ये कैलाश पर्वत पे आया, ले जा ले जा गंगा माँ। ऊपर से परसाई गिरी, हवा जा देती परसाई से नहीं आती, कोई भी पानी से जाता तो ऊपर से परसाई नीचे आती धरती मैया पर। तो परसाई जैसे नीचे आई गंगा माँ में पड़ी, गंगा माँ देखी ओहो रावण ले जा रहा है। तो गंगा माँ ने कैलाशपति को कहा, कैलाशपति क्या देख रहा है भगवान को रावण ले जा रहा है, तो मैं क्या करूँ? अरे छोड़ दे एक इंद्री धार, वैसे तो माँ का है, अपना क्या है बेटे, माँ के का जीवन को करना पड़ेगा। तो माँ ने कहा कैलाशपति ने इंद्र सोरी पेशाब किया, वो पेशाब की दादे को खुद ही रावण ने बे गोद में, और रावण ने आता हिला दिया। आदेश तो माँ का सद रहा है, मेरा नहीं सद रहा है, इस माँ का सद रहा है, धरती मारा धरती माता को बड़ा गया नहीं। राम 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 राम, राम। फिर बाद में रावत उतारी नीचे नीचे उतारते ना विष्णु भगवान त्यार। एक बैतिनारे जोड़े एक ब्रह्मा विष्णु महेश देवाल तीनों जोड़े दादी जोड़े सदा ही सलाम रहेगा भगवान की जोड़ी, कोई नहीं तोड़े अमर नाम। इतने में भगवान विष्णु भगवान आगे आगे वो ये उतार दी, तो उतार तो नीचे देगा तो किसे किसको पकड़ा, पेशाब तो दो हाथों करना पड़ेगा, एक महान की भगवान पेशाब भी है ये दीजिएगा। तो भगवान आप पधार के देखो विष्णु रूप ग्वाल का रूप करके आगे खड़े हो गए। अरे अरे बच्चा इधर इधर ये पकड़ दे भगवान को, ये पकड़ा दिया वो पेशाब करने के, वो पेशाब करके वापस उन्होंने क्रियाक्रम करके वापस वहाँ से उठा दिया। और वहाँ से कैलाश पर से उठ रहे ना रहे आ रहे अपने नादेश माँ सीसा माँ उतर उठ कर नादेश्वर जी एनिया मंगरा ऊपर आए गए उस पर सही सीधी नीचे गिरी माँ गिर खुद ही पैदल लोग में गिरी माँ के पास, क्योंकि मारे गंगा मारे धरती मारे एक वायदे हुए गए नहीं समझ में। तो वहाँ से गंगा माँ ने वापस एनिया पर बहुत रोका कमली माँ देवी, तो एनिया को कहा एनिया ने वही काम किया जो कैलाशपति ने किया वही काम किया। तो वहाँ से वापस दरबार ये चलन करता करता ये आवरगढ़ को उतार दिया कमलनाथ। कमलनाथ
कमलनाथ नाम तो बाद में पड़ा, पहले आवरगढ़ था, गढ़ों का गढ़ आवरगढ़, अबूगढ़ का बाप आवरगढ़। बोलो मुनि बोल रहा, वो बोलो बाहर इतिहास बोल रही, यहाँ की प्रतिमा की साइंस बोल रही है। तो कमलनाथ पे वो शिवलिंग वही है जो रावण ने स्थापित, वो रावण वाले जो रावण लेके आया था। हाँ वही शिवलिंग है, वो उसने जैसे खड़ा पूर्व में खड़ा था, गवाल पूर्व में पश्चिम में खड़ा था, जैसे वो उतारा नहीं, जैसे लंका से आया पकड़ाया पकड़ाया वहीं पकड़ाया, वही जे रखा वहीं है, इतनी खिलाने वाला कोई नहीं है। और बारह युग तक उसने सेवा की, कपड़े के ठेकर लगा ले गया उसको। ये तालाब बांसवाड़ी तालाब में कमल के फूल कहाँ से लाइए, सागर से लाइए, रावण लाइए। रावण कोई बुरा नहीं है, समझने वाले बुरे। रावण तो ऋषि का पुत्र था ना। हाँ उनके जैसा ज्ञानी कौन था। हाँ सदन तो का विद्वान जानी है, जानकारी था तो सौदा अच्छा। 12 साल तक सेवा करते करते उन्होंने गर्दन दे दी, शिष्ट कर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मैं ले जाऊंगा। भगवान ने सारा उसको दे दिया, नहीं भगवान, रावण ने कहा नहीं भगवान और बाकी वो भी लूंगा। तो भगवान ने, अबे भगवान तो बोले थे देने वाले, लेकिन विष्णु भगवान आ गए, तो विष्णु भगवान ने परीक्षा करते करते आपकी दाता की परीक्षा में सफल नहीं होने दिए रावण को। तो भी रावण ने हट कर दी, मैं ले जाऊंगा भगवान लंका में। फिर बाद में लंका में ले गया, तो लंका में ले गया, लंका में ले गया। फिर बाद में विष्णु गुरु विश्वकर्मा जी को बुलाए, किसको बुलाए, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी। और गुरु विश्वकर्मा जी दाता रहा हाथ रही लंका करा में, वो नहीं में दूसरे कौन करे। और पूरी लंका बना दी सोने की। फिर बाद में उसमें प्रवेश तो होएंगे, जमीन तो रोपेंगे, जनोई कर बांधेंगे, नागोल कैसे करेंगे। तो जनोई पेरा दी, नागोल पूरे कर दिए, उनका पूरा मतलब गायत्री कर दी, ओम आरती करवा दी, सब कुछ करवा दिया। बात पास में आ गई, शॉर्ट कटा लगी, बात करो तो बहुत लंबी है, ज्ञान कुछ थी। और ओम आरती करवा दी भगवान, आपने ओम आरती करी। ओम आरती करने के बाद में पंडित जी ने कहा भैया भगवान भगवान प्रवेश करो आज घर मालिक को। घर मालिक तो बोले ना थे सेठ, तो भोलेनाथ रहेंगे, तो आप प्रवेश करो। एक पर दरा, दूसरे पर दरा, पंडित जी ने कहा अरे दाता मेरे ये पंचांग वेद शास्त्र क्या कह रहा पूर्णांग। पंडित जी को दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा चाहिए। भगवान ने इधर इधर तो देखा नहीं, दूसरा पग और दे दिया। अरे भगवान दक्षिणा दे के अब इस मेरे वेद शास्त्र क्या कह रही है, इनका दक्षिणा दे दो, आप अंदर प्रवेश करो। अबे तीसरा पैर देना और परीक्षा लेनी, तो गौदान देना है। तो भगवान के पास गौदान था नहीं, ये गौदान वो गायत्री माँ निकलती थी मंथन में, तो वही ब्रह्मा जी को दे दी। तो उनके पास घास है ही नहीं, कम दे दूंगा माँ। तो भगवान दे देखे पार्वती माँ की तरफ, पार्वती माँ देखे भगवान की तरफ, आप हमारी तरफ देख रही है, हम आपकी तरफ देख रही है। और देखते देखते बस दो एक सेकंड हुआ, दो सेकंड हुआ, विलाप मारने का बस क्या करें, पूरा गुरुत का जीव तो पतला होता है। तो भगवान ने इधर उधर घूर के देखा, सारों तो कोई कोई अपना साथी है नहीं, तो किसी ने नजर नहीं झोंकी भगवान की तरफ। तो ऋषियों में ऋषि पर्वतों में एक ऋषि मतलब मंद्रा ऋषि, मंद्राचल पर्वत, क्या नाम था, मंद्राचल पर्वत, मंद्राचल, मंद्राचल ऋषि ने ध्यान किया अरे भगवान आप नाराज मत हो, मैं मेरे वहां है जगह सलो। तो मंद्राचल जी वापस लाए और मंद्राचल पे पर्वत पे आपको माँ सती गौरम सती माँ, सती माँ की बात हो रही है, सतयुग की बात, सती माँ। और मंद्राचल पे राज किया, वहां से गुरु महाराज तो साथ में ही थे विश्वकर्मा जी, तो वहां से लागे फिर वावरगढ़ में घूमा फिरा सारा तरफ देखे। यहाँ से आए तो पहले श्री गणेश वहां गया गंगा मेरी के सामने, वो नाम है बम बम माई, अच्छा गंगा माई के सामने शॉट मारिए, शॉट लगेगा टांगे लगेगा शॉट तो आवाज आएगा, शॉट नहीं लगेगा तो ये पेड़ पौधे क्या सुनेंगे। अपन बोल रहे तो सुन रहे, सुन रहा अपन नहीं बोलेंगे सुनेगा क्या, कौन
इस पुराण को, तो वहाँ कारीगर को समझ में नहीं आई है कच्चा है गुरुदेव से, वहाँ घूमते 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 ये निकट वहाँ गए, वहाँ गए तो वहाँ एक चंद्रमा के शॉट बनाई, सूरजवासी के शॉट बनाई, और बीच में भवानी माँ की सूर बनाई है, भवानी माँ और बनाई है, सब देखे देखा कारीगरों ने देखा क्या भगवान तो है, लेकिन ये अपन को क्या करना है भगवान, अरे कोई अपने एक अमरनाम निकालते है इस सतयुग का, कलयुग में कोई भक्त लोग पूछेंगे किसने स्थापना की है तो क्या जवाब देंगे होटो से, मैं नहीं बोल रहा वो पत्र बोल रहे हैं, बोलेगा सत बोल रहे हैं धर्म बोल रहे हैं, मैं तो मानो काला माता हाँ सॉरी, बाकी हिंदी हिंदी गणित तो गणित है, एबीसीडी बाद में आई, भूगोल थोड़ी बदली है, वही चल रही है भूगोल, तो वहाँ से फिर बाद में यह आए गुरु महाराज का अभी मिस्त्री साहब ने कहा कि यह भगवान कम जगह मिलती है, तो वहाँ से लाई पास में ही सामने, यह भवानी मारी तस्वीर बनाई निशान सिंह ने माँ का, और ये शॉट मारी जिसे दो ईंट निकाली, देखिए आपने तो वाह कारीगर है, मैं तो मजदूर हूँ इस कारीगर के बारे में, बड़ी बात नहीं कर तो बड़े बोल तो भगवान ऊपर का सूर्य नारायण भगवान, और वहाँ से समझ में नहीं आए गुरु महाराज ये तो जगह पर मैं क्या कराऊँ अपने भगवान, अरे ये सब मंदिर बनावा अपने खजूरा साहब मंदिर है कि नहीं इंद्रति में, मोर साहब है कि नहीं, ये मोर साहब है, तो लोग तो ऐसे कहते हैं कि भीम ने इसकी वो की है, सुनो 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 सुनो, लोग तो कहते हैं वो चारों तरफ से चावल लगता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाश पेताल, तो फिर बाद में मिस्त्री साहब वहां से आए ये नौ सीढ़ी बनाई है, नौ नाक मंदिर के ऊपर जाने के लिए, जाने के लिए वो निर्माण करके फिर बाद में गुरु विश्वकर्मा जी आपने कहा था ये इसका पद बनाया, और काम कर रहे हैं आप गुरु महाराज, और भगवान शेर जी थे आपको काम बता के चले गए, कहाँ गए मंद्रासल, कहाँ गए मंद्रासल, मंद्रासल पर्वत पे, तो मंद्रासल पर्वत गए तो वो नए इतिहास नई कहानी आपको सब व्यवहार भी गया तो कौन छोड़ेगा, पेड़ पौधे नहीं छोड़ेगा, एक किंडी के दल नहीं छोड़ेगा, इतना प्रेम है सच कहाँ है देखा आपने, धर्म कहाँ है देखा आपने, आपने सामने खड़ा है, मगर देखने के लिए तो वो एनक अलग है, तो पूरा काम किया तेरे अंदर से बनाए सामने भगवानी माँ बनाई हो देखो, और नंदू महाराज ये यहाँ का ही अस्था थी प्रकृति, गजानंद जी सामने भी दिख रही है अपने बुद्ध महाराज, यहाँ के ये प्रकृति कहा लाके स्थापना नहीं की भगवान, फिर बाद में गुरु महाराज ने अंदर का मंदिर बनाया भोलेनाथ का, ये ज्योतिर्लिंग महादेव है दूसरा नहीं है, हिरगिर महादेव नहीं है, आई समझ में पूरा काम कंप्लीट करके फिर बाद में ये बाहर आए, काम तो खलास हो गया, अब क्या करें, वैसे जी ना जाने कब आएंगे, हमारी टाँगें चलती रही नहीं सब है, टाँगें नहीं चलेगा तो पेट पापी का सवाल है, गीता जी को सब मालूम है, तो ये चले उपरे और बनाओ आगे भगवान से और बनाई दो, और कारीगर उपरे चले आप गुरु विश्वकर्मा जी बना रहे भगवान को मंद्रासल पर पता लगा वो काम पूर्ण हो गया, किसने कहा सेनापति ने, गणों ने कहा, गणों ने हाँ बोलो, तो गणों ने कहा भगवान काम तो खत्म हो गया, तो क्या कर रही है बहुत गाड़ी के तो ऊपर और चढ़ गई और बना रही है, अरे भाई हमने मना किया ही नहीं है, फिर मना करना पड़े, तो गण ने सब साथ में आए सामने आगे थे, देखा भगवान ने ऊपर बना रहे किस चीज कर रही, अब हाथ में रोजी और मना भी नहीं कर सकती, भोलेनाथ दयालु है, कौन है दयालु, दयालु, अबे भगवान ने देखा कि अबे इसको
दया से प्रेम से तो अपन उतार सके नहीं, तो भगवान ने वहां से ही बाण मारा, यही खत्म कर दिया हथेली से, और यही उसकी मुक्ति गुरु विश्वकर्मा जी। और विश्वकर्मा जी यहाँ विराजमान है साक्षात्कार, वो कल उस दिन तो मानव थे अपने जैसे, और आज वो देवता है भाई पवन, अपनी अपनी कमाई का फल ले। और हमने ये इतिहास है, हमें यहाँ का पानी पिया, हमारे यहाँ का अभ्यास किया, यहाँ का नमक खाए, यहाँ का वातावरण किया, सब वातावरण का गम करने के बाद इस इतिहास का हमने पता लगाया है गुरु महाराज की कृपा से। और ये भगवान भोलेनाथ है, ये 12 ज्योतिर्लिंग महादेव, तो जिसमें 10 तो है दक्षिण में, 2 है उत्तराखंड में, 12 वो 13वें ज्योतिर्लिंग मेरे भोलेनाथ को बेसर माते। आज के दिन सतयुग के है, सतयुग के सही बात है, द्वापर नहीं, द्वापर तो कृष्ण भगवान द्वापर में, द्वापर का त्रेता युग है, जब जी राम ने जाकर उतार लिया अयोध्यापुरी में दशरथ जी के घर में, और त्रेता युग के सतयुग पहला जी अवतार लिया हिरण्याकश के घर में, एक सन्नामत का पहला जी कोई कर्म के नहीं, वो द्वापुर में कृष्ण भगवान पधारी में महाभारत के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात आ गई जिसमें वो बात वास रिकॉर्ड घूम गई, त्रेता में राम आया नहीं, हाँ सतयुग में राम आया, सतयुग में पहला जी आए, पहला जी आया सन्नामत रहा आया करना सन्नामत रहा, सतयुग में तो थे अपने परशुराम जी, हाँ द्वापर में राम जी, हाँ त्रेता में कृष्ण जी, हाँ कलयुग में अपन चल रहा देव मेरे परशुराम महादेव विराजमान ही हमारा आराध्य देव है, हाँ मानते हैं ना, बिल्कुल खतरनाक है, कीड़ी बने से काटने से परीक्षा ले ली, मैं भगवान की परीक्षा तेरे कान पकड़ता परशुराम जी की, भगवान की दया से हम भी औदिच्य ब्राह्मण हैं। अबे हाँ।